बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा एक बार फिर अपनी रौ में नजर आए। उन्होंने कहा, भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है जिसका विभाजन होगा। विभाजन की सोच रखने वालों को कुचल दिया जाएगा, जमीन में दफन कर दिया जाएगा। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा एक बार फिर आक्रामक रूप में सामने आए हैं। उन्होंने कहा, 30% मुसलमान क्या हिंदुस्तान के विभाजन के लिए हैं? 30% हो या 20% हो, हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान को आत्मसात करना पड़ेगा। भारत माता है, कोई जमीन का टुकड़ा नहीं जिसका विभाजन होगा। विभाजन की सोच रखने वालों को कुचल दिया जाएगा, जमीन में दफन कर दिया जाएगा। और जय श्री राम बोलने पर आपत्ति करो, 30% मुसलमान क्या हिंदुस्तान के विभाजन के लिए है? और टीएमसी क्या हिंदुस्तान में नए पाकिस्तान की रचना करना चाहती है? ये 30% हो या 20% हो, हिंदुस्तान में जिनको रहना है उन्हें भारत को आत्मीयता के साथ स्वीकार करना पड़ेगा। भारत देश है, धरती का टुकड़ा नहीं है। जब जिसकी मर्जी आए विभाजन कर लो। अब इस देश के विभाजन की सोच भी खत्म कर लेना चाहिए। अब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जो भी विभाजन की बात करेगा उसको हम कुचल देंगे। मेरे नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, मैं संसद में आऊं या ना आऊं, मेरा दल रहे ना रहे, मेरे पर हिंदुस्तान रहना चाहिए। हम देश के प्रति है, हम चुनाव बाद में लड़ेंगे, पहले हिंदुस्तान की रक्षा करेंगे। और टीएमसी की अपनी बकवास बंद करे, अब भारत के विभाजन का सपना छोड़ना बंद करे। पश्चिम बंगाल में पहले अपनी इज्जत बचा ले। पश्चिम बंगाल के नागरिक ऐसे देशद्रोहियों को, भारत विभाजन करने वालों को, हिंदू धर्म का अपमान करने वालों को, जय श्री राम का विरोध करने वालों को, ममता बनर्जी सहित पूरी टीएमसी को उखाड़कर वहां के पश्चिम बंगाल के नागरिक फिर एक नारा देंगे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पश्चिम बंगाल की आजादी का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पूरे देश को आजाद किया था। अब टीएमसी के नागरिक राम के साथ, राष्ट्र के साथ और मोदी के साथ उठकर खड़े होंगे और देश की आजादी के जश्न मनाएंगे। और जो विभाजन का सपना टीएमसी और ममता बनर्जी देखती हैं, उसको चकनाचूर करेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।